खुद के एक यूट्यूब चैनल है, तो आपको पता ही होगा उस यूट्यूब चैनल के यूट्यूब वीडियोस के लिए उसके थंबनेल कितने इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, थंबनेल को देख के आपके व्यूअर्स अट्रैक्ट होते हैं आपके वीडियोस के तरफ। जी हाँ, उस थंबनेल उन व्यूअर्स को खींच के लेते हैं आपके वीडियोस में, और इसलिए थंबनेल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे वीडियोस के लिए। और उस थंबनेल को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एक बेहतर ऐप, और मोबाइल के लिए अगर आप मोबाइल में वीडियो एडिट करते हो या आप थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो अपने मोबाइल पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पिक्सल लैब को यूज़ करो। जी हाँ, ये एक फ्री ऐप है जो अवेलेबल है प्ले स्टोर से। तो इस ऐप को कैसे यूज़ करना है हम थोड़ा देख लेते हैं, और बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस पिक्सल ऐप को, आप उतना बेहतर थंबनेल, एट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट कर पाओगे। तो अगर हम पिक्सल ऐप को ओपन करते तो ये रहा उसका इंटरफेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डिफॉल्ट बैकग्राउंड दिख रहा है। इन डिफॉल्ट बैकग्राउंड में आप कोई भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। जो बैकग्राउंड आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं ये वाला बैकग्राउंड ले रहा हूँ। अगर मुझे ये वाला बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा और मैं कलर पे टैप करूँगा। कोई भी कलर मैं ले लूँगा, जो मर्ज़ी के हिसाब से मुझे कलर चूज़ करना होगा। और जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, और अभी मैं ये टेक्स्ट इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मैं डिलीट वाले बटन में दबाता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब मैं इसका साइज़ चेंज करूँगा क्योंकि इसका साइज कुछ और दिया हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए YouTube थंबनेल। तो मैं जाऊंगा इमेज साइज पे और मैं यहाँ पे टैप करूंगा और YouTube थंबनेल। ओके, बस आ गया YouTube थंबनेल का शेप। अब यहाँ पे मुझे सारे टेक्स्ट और फोटो को लगाना है। जैसे कि अगर मैं कोई टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ तो टेक्स्ट में, चलो मैं लिख देता हूँ एक सैंपल के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्नोमिट्स, TECHNOMITZ टेक्नोमिट्स मैंने लिख दिया, ओके कर दिया। तो ये रहा टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट को यहाँ पे लगा देता हूँ टेक्नोमिट्स। अब मैं क्या करूँगा, ये टेक्नोमिट्स एक टेक्स्ट है। जी हाँ, इस टेक्स्ट को जितने भी एडिट्स आपको करने हैं आपको जाना है पहले इस ए वाले आइकन पे। तो मैं उसमें टैप करता हूँ तो ये खुल गए सारे ऑप्शन जिससे मैं इसमें मैं डिज़ाइन करूँगा इसको। तो सबसे पहले मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ। जैसे कलर मैं ब्लैक रखता हूँ इसमें, अब ब्लैक उतना दिख नहीं रहा है तो मैं इसके बैकग्राउंड को, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम आ जाएंगे, जैसे मैंने ये लगा दिया या ये लगा दिया, जो आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अब ये टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं फॉन्ट इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए मैं इसमें ऐसे, बस हो गया मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज्ड। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये टेक्नोमिट्स ये एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में आपको टैप करना है। जैसे अभी टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो अभी इसमें जाना है ए पे, और ए पे जाते ही आप सारे यहाँ पे एडिट्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं और आपको स्टाइलिश एक एडिट दिखा देता हूँ। आपको इस टैप करना है स्ट्रोक पे, आपको स्ट्रोक दिख रहा है, स्ट्रोक पे टैप करो और इसको एनेबल कर दो। तो और आप यहाँ पे जो भी कलर चूज करो उस हिसाब से आपको एक हल्का शेड यहाँ पे नजर आएगा, जो भी आप शेड लाना चाहते हो। तो इस हिसाब से आप एक शेड भी इसमें ला सकते हो। जैसे अगर मैं दूसरा कोई कलर को चूज करूँ तो ये रहा कलर, मैंने ये कलर डाल दिया, या कोई भी कलर, चलो ये कलर ले लिया ग्रीन या येलो। और आप अगर इसको बढ़ाओगे तो देखो वो शेड नज़र आ रहा है आपको। मोटा, जितना मोटा शेड आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर आप ओके कर दो। अब हम यहाँ पे एक फ़ोटो को ऐड करेंगे। फ़ोटो को ऐड करने के लिए फिर से हम जाएंगे इस प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी, और चलो सिलेक्ट करते हैं इस फोटो को। इस फोटो को हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके में टैप करते हैं, और ये रहा मेरा वो फोटो जो फोटो मैं लेना चाहता हूँ, ये रहा वो फोटो। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ जो है वो इस फोटो के पीछे छुप गया। तो कोई बात नहीं, हम इसमें टैप करते हैं
टैप करते ही जो लिखा हुआ है टेक्नोमेट्स उसे मुझे सामने लाना है। तो यहाँ पे टैप करता हूँ और मुझे टैप करना है इसमें सामने, ये रहा सामने वाला, ये वाला रहा पीछे वाला। तो मैं सामने लाना चाहता हूँ इसलिए मैं सामने पे टैप करता हूँ और इसमें फिर से मैं टैप कर देता हूँ। तो आप देखो ये सामने आ गया है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक और एक फोटो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे फिर से मैं जाऊँगा गैलरी पे, इस फोटो को ले लेते हैं। ये फोटो को मैंने ले लिया, ओके मैं दबा दिया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। जी हाँ ये रहा, मैंने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे और एक फोटो लाएंगे, तो फिर से जाएंगे गैलरी पे, प्लस पे टैप करना है, फ्रॉम गैलरी इस फोटो को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये रहा वो फोटो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब अगर मुझे इस फोटो में कोई एडजस्टमेंट चाहिए तब मुझे इस फोटो में टैप करना होगा, और मुझे टैप करना होगा इसमें, जी हाँ इस वाले आइकन पे। तो यहाँ पे मैं उस फोटो में जितने भी चाहे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ, जैसे कि मैं अगर स्ट्रोक पे टैप करता हूँ तो स्ट्रोक को एनेबल कर देते, और यहाँ पे जैसे मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, तो आप देखो रेड कलर साइड में बढ़ रहा है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर मैं ब्लैक कर दूँ तो ये देखो आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा। तो जितना मोटा पतला आप करना चाहते हो कर सकते हो, इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। और जैसे अगर इस फोटो को मैं करना चाहता हूँ तो इस फोटो में मैं टैप करता हूँ फोटो को, फोटो को टैप करके फिर इसमें आना होगा, क्योंकि ये आइकन है फोटोज के लिए और ए जो आइकन है ए ये है टेक्स्ट के लिए। तो मैं फिर से इसमें मैं थोड़ा सा ये स्ट्रोक को अप्लाई कर देता हूँ या शेडो करता हूँ, शेडो देख लेते हैं क्या होता है। ये शेडो से आपको दिख रहा होगा, ये शेडो हल्का चारों तरफ शेडो गिर रहा है, देखो आप हल्का शेडो गिर रहा है। अगर आप रेड कर दो तो रेड शेडो, व्हाइट कर दो तो व्हाइट शेडो, अगर आपको शेडो नहीं रखना है तो आप क्रॉस कर दो। आप आ जाओ स्ट्रोक पे, तो स्ट्रोक को एनेबल करते हैं, और एनेबल करने के बाद अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है तो आप व्हाइट कलर का शेडो कर दो, आई मीन स्ट्रोक कर दो, या अगर आपको ब्लैक पसंद है तो आप ब्लैक कलर का शेडो कर दो, जो आपको ठीक लगे वो कलर से आप इसके शेडोज या स्ट्रोक बना सकते हो। तो ये रहा एक छोटा सा ट्यूटोरियल पिक्सल लैब से, और इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये इसमें आप उतना बेहतर थंबनेल क्रिएट कर पाओगे अपने वीडियोस के लिए।